अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, क्या हाल हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ रिदा राबेल और आप सबको अपनी वीडियो में वेलकम करती हूँ। जी मेरे प्यारे व्यूअर्स, तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बाबूजीज का डिनर बुफे। अच्छा जी, यह है बाबूजीज रेस्टोरेंट और यह है पोर्ट ग्रैंड कराची में। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इनके डिनर बुफे की तमाम डिटेल्स शेयर करूंगी। हम फ्रेंड्स अक्सर इनका डिनर बुफे इंजॉय करते हैं क्योंकि एक तो ये डिनर सस्ता है, दूसरी बात ये इनका टेस्ट भी बहुत आला है, और एक अमेजिंग बात कि इनके पास है बाय वन गेट वन की ऑफ़र। जी, टेस्ट भी अच्छा, प्राइस भी कम, और ऊपर से बाय वन गेट वन, क्या कहने हैं, बहुत ही लाजवाब। तो आज की वीडियो ख़ास आप सब के लिए है। तो आगे व्यूअर्स इनका डिनर बुफे देखना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले स्टार्ट में ये है लाइव तंदूर। जी यहाँ पर रोगनी नान बन रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, और ये आपको लाइव बना के देंगे बिल्कुल गरम गरम। ये तिल वाला रोगनी नान इतना ज़बरदस्त होता है कि आप ये सालन के बिना भी खा सकते हैं, इतना मज़ेदार ये नान होता है। ऊपर से गरम गरम सर्विंग होती है तो उसकी बात ही अलग है। इनका डिनर बुफे का मेन्यू आप वीडियो के स्टार्ट में देख चुके हैं, पूरा इन्होंने बोर्ड बाहर मेंशन किया हुआ है कि आज के मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा आइटम्स इनके मेन्यू में नहीं है, डेज के अकॉर्डिंग इनका मेन्यू सेट होता है। और ये दिन था पीर का, मंडे का। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इनका कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूँगी, आप तमाम डिटेल इनसे ले सकते हैं। डेज, चार्जेस, मेन्यू, आप सब डिटेल्स इनसे ले सकते हैं। और इनका डिनर बुफे बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा है। ये देखिए क्या गज़ब का ये नान है, ज़बरदस्त। कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दूंगी ताकि रिजर्वेशन में भी आपको आसानी हो। इसके अलावा आपको मेरी वीडियो में तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। पहले आप इनका डिनर बुफे देख लीजिए, बाकी की डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छा जी, यहाँ इनका डिनर बुफे स्टार्ट हो चुका है और ये स्टार्ट होता है 7:30 बजे। 7:30 से रात 11:30 तक के इनके टाइमिंग हैं। अच्छा जी, गर्मा गर्म नान के बाद अब यहाँ हाजिर है चिकन कढ़ाई, और चिकन कढ़ाई भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। और देसी खानों में अगला आइटम है बीफ कौरमा, क्या खुशबू है, ज़बरदस्त। और जी इनके जितने भी खाने हैं लिमिटेड हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन टेस्ट में बहुत आला है। अच्छा जी, ये है 3rd नंबर पे मिक्स वेजिटेबल्स। अगर आप लोग एक सस्ता और अच्छा डिनर बुफे सर्च कर रहे हो तो इससे बेहतर डिनर बुफे आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा जी, यहाँ पे है बीफ हलीम। बीफ हलीम मैंने ट्राई की थी, बहुत बहुत ज़बरदस्त थी। और नंबर 1 पे है इनकी बिरयानी। जी चिकन बिरयानी बे इंतहा मज़ेदार है, बिलीव करें, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार ये बिरयानी थी। मेरी ये बिरयानी बहुत बहुत फेवरेट है। अच्छा जी, सेंटर में इन्होंने डेजर्ट एंड सैलेड बार सेट किया हुआ है। इसमें काफ़ी टाइप की इनकी सैलेड्स है और डेजर्ट्स वगैरह हैं, और इनके जो डेजर्ट्स हैं ना लिमिटेड है, लेकिन यकीन करें बहुत टेस्टफुल हैं, बहुत मज़ेदार हैं। अच्छा जी, हाँ मैं आपको डिनर बुफे के चार्जेस बताती चलूँ। डिनर बुफे के चार्जेस आप लोग स्टार्ट में देख चुके हैं, जहाँ मेन्यू मेंशन था वहाँ चार्जेस भी मेंशन थे। चार्जेस हैं इनके 1111 रुपये, और टैक्स मिला के आपको पड़ेंगे 1280 रुपये। अच्छा, इनका मंडे को लिमिटेड बुफे है, और मंडे के इनके जो चार्जेस हैं डिनर बुफे के वो हैं 1280 इंक्लूडिंग टैक्स। अदरवाइज़ अगर आप बोगो या वाउच 365 यूज़ करते हैं तो आपके चार्जेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। सेकंड पर्सन जो आपके साथ फ्री है, यानी उसको मिला के आपके डिनर के चार्जेस होंगे 1640 रुपीज़। जी 1640 रुपये में आप दो डिनर बुफे इंजॉय कर सकते हैं, है ना मज़े की बात। बाकी ट्यूसडे टू संडे इनका डिनर बुफे थोड़ा ज़्यादा होता है, और उसके इंक्लूडिंग टैक्स चार्जेस हैं 1840, यानी 1840 में दो बंदे डिनर बुफे इंजॉय कर सकते हैं। ये इनका सैलेड बार है, और बहुत ही ज़बरदस्त इनका ये सैलेड बार है। अच्छा, एक चीज़ मैं अपने प्यारे व्यूअर्स को क्लियर कर दूं कि इस डिनर बुफे में कोई मिनरल वाटर या कोई जूस या कोई सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह इंक्लूड नहीं है। आपको कुछ भी लेना होगा तो आपको उसके सेपरेट चार्जेस पे करने होंगे। अच्छा जी, यहाँ स्टार्ट होता है इनका चाइनीज़ एंड लाइव बारबेक्यू कॉर्नर। यहाँ आपको 3-4 चाइनीज़ आइटम मिलेंगे, इसके साथ आपको मिलेंगे टर्किश कबाब और लाइव बारबेक्यू, तवा फिश, फ़िश प्रॉन्स। अच्छा जी, ये थी आलू की तरकारी। अच्छा, ये हमने टेस्ट नहीं की क्योंकि डिनर में ये टेस्ट करने का फ़िलहाल मूड नहीं था, लेकिन ये है कि डिनर बुफे में दाल कचौरी और ये आलू तरकारी वगैरह भी अवेलेबल थी। और ये है इनकी चटपटी चिकन बोटी, और इसके अलावा इसके साथ हैं टर्किश कबाब। कबाब तो बहुत ही मज़ेदार थे, देखें कैसी गरम गरम सर्विंग की जा रही है,
बिल्कुल लाइव की बारबेक्यू कर रहे हैं और गरम गरम इसकी सर्विंग है। कबाब बहुत ही चटपटे मज़ेदार थे और आप देख लें कितना, मतलब ये धुआं है, बिल्कुल गरम गरम हर चीज़ अवेलेबल है। आउटसाइड व्यू भी आप देख लीजिए कितना ज़बरदस्त है, इतना अच्छा व्यू हो तो खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। अच्छा जी, यहाँ पर बननी थी तवा फिश और उनकी तवा फिश भी बहुत बहुत ज़बरदस्त होती है। तो बस जी, अब मैं अपना डिनर बुफे स्टार्ट करती हूँ, तो आइए मेरे साथ आप भी डिनर बुफे इन्जॉय कीजिए।